क्या क्या ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, किस तरह से आप OMR सीट को फिल कीजिएगा, आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, इन सारे चीज़ों पर मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जर्मनी स्टडी सेंटर। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हाउ टू क्लियर सीटेट एग्जाम, कि जो आने वाला जो सीटेट एग्जाम है जो कि जनवरी 2024 में होने वाला है, 2024, और इसका डेट भी आ चुका है 21 जनवरी 2024। ठीक है, तो इस डेट को सीटेट का एग्जाम होने वाला है। आप में से बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर कुछ प्रीवियस ईयर वाले भी होंगे जो अपना मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, या फिर वो फेल हो गए थे किसी कारण, अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे अच्छे से, और इस बार दोबारा क्लियर करने के लिए सीटेट एग्जाम देना चाह रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स में बताऊंगा कि सीटेट का एग्जाम प्रोसीजर क्या है, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, या फिर क्या क्या ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, किस तरह से आप OMR सीट को फिल कीजिएगा, आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, इन सारे चीज़ों पर मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा। तो आप टॉपिक्स देख पा रहे हैं, 120+ कैसे लाएं, क्या करें क्या ना करें, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, OMR सीट कैसे फिल करें, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और इसके अलावा भी एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन में क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर ले, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो इन सब टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम पैटर्न किस तरह का होता है, ठीक है, ताकि आपको एक स्ट्रेटेजी पता चलेगा उससे कि हम लोग को एग्जाम जो है कैसे देना है। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके कितने सब्जेक्ट्स के एग्जाम रहेंगे। तो देखिए, इसमें टोटल आपका पांच सब्जेक्ट रहेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, लैंग्वेज 1, जिसमें कि आप अपना जो लैंग्वेज है वो चूज कर सकते हैं, लैंग्वेज 2 में, इन दोनों में से किसी में आप एक इंग्लिश रखिएगा। तो मैं प्रेफर करूंगा, आपको कहूंगा कि आप लोग लैंग्वेज 2 में इंग्लिश रखिए, ठीक है, तो इंग्लिश आपके लिए थोड़ा इजी पड़ेगा। लैंग्वेज 1 में इंग्लिश देते हैं तो वो पेपर थोड़ा टफ होगा, तो लैंग्वेज 2 आप लोग प्रेफर कीजिएगा इंग्लिश रखने का, ठीक है, और लैंग्वेज आप 1 में आपका जो भी लैंग्वेज है, हिंदी हो, बंगला हो, या जो भी अदर लैंग्वेज है उसको आप रख सकते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स और EVS। देखिए, आपका टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, हर एक सेक्शन में आपका टोटल 30 क्वेश्चंस आएगा, टोटल 150 क्वेश्चंस। तो अब 30 क्वेश्चंस में देखिए, CTP का तो 30 क्वेश्चंस ही रहेगा। ओके, लैंग्वेज 1 में आपका पैडागोजी रहेगा 15, प्लस जो इसका लैंग्वेज का क्वेश्चंस आएगा कॉम्प्रिहेंशन, ये रहेगा 15। सेम इंग्लिश में भी आपका 15 पैडागोजी, 15 कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स में भी आपका 15 मैथ्स रिलेटेड पैडागोजी और 15 आपका मैथ्स रहेगा। EVS में भी सेम आपका 15 पैडागोजी, 15 आपका EVS रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे टोटल आपका यहाँ 15, 15, 30, 45, 60 प्लस 30, ठीक है, CDP का 30, टोटल आपका 90 क्वेश्चंस पैडागोजी रिलेटेड प्लस 60 क्वेश्चंस जो है आपका वो सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, जिसे आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ और EVS के जो सब्जेक्ट्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे 60, और आपका पैडागोजी रहेगा आपका 90, ठीक है, पैडागोजी जो है ये आपका 90 मार्क्स का रहेगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है पैडागोजी का, आपके एग्जाम में एग्जाम क्लियर करने के लिए इसका कितना इम्पोर्टेंस है ये आप देख सकते हैं, और इसका दिया गया है मार्क्स, और ये आपका एग्जाम रहेगा 2.5 घंटे का। आई होप यहाँ तक आपको सारा चीज क्लियर हो गया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है चीज़ें, अगर आपको समझ आ रही है, तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, और रिक्वेस्ट रहेगा आपके फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। तो चलिए, अब जो मैं यहाँ पे आपको टॉपिक्स बताया था, अब हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए। तो जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, जब भी आपका सामने कोई क्वेश्चन आए, उसमें अगर देखे कि आप बच्चे से रिलेटेड है तो बच्चे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, ठीक है, क्या है, क्या करना है आपको, बच्चा पहले, ठीक है, बच्चा क्या होगा, ये आपका पहले आएगा, फिर बाद में क्या आएगा, अध्यापक, बच्चा पहले और बाद में क्या है, अध्यापक। तो आपको क्या करना है, बच्चों को इम्पोर्टेंस देना है, ठीक है, बच्चों को एक्टिव रखना है। बच्चों को आपको एक्टिव रखना है, ये सबसे पहला पॉइंट। अब जो है दूसरा पॉइंट जो है, ये काफी ध्यान देने वाली बात है,
और तीसरा पद, दूसरा और तीसरा जो है ये एकदम जुड़ा हुआ है दोनों एक दूसरे के साथ, तो दोनों पॉइंट में एक साथ डिस्कस करूंगा। तो इसमें क्या है कि अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आपका आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं इसके बारे में डिस्कस भी करूंगा आपसे, लिख लेता हूं एक बार, फिर आपसे मैं डिस्कस करके बताता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक्चुअली मैं आपको क्या चीज का ध्यान देना है। देखिए, तो पॉजिटिव क्वेश्चंस पे आपका आंसर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी अगर आपको पूछा जाता है कुछ ऐसा क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसमें कि नहीं या ना या नहीं करना चाहिए या कोई भी नेगेटिव आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसमें आपका जो आंसर है वो नेगेटिव ही रहेगा। और अगर कुछ आपको पॉजिटिव क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें कि ना नहीं इस तरह का कुछ भी नहीं है, ठीक है, नेगेटिव कोई वर्ड नहीं है, तो उसमें आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव आंसर रहेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ आ रही है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, आपको क्लियर हो रहा है चीजें। और जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तब इन टॉपिक्स का जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, इन पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा, तभी आपको ये चीज और बेहतर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग नोट करके इसको रख लीजिए, ताकि जब भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा इस पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कीजिएगा, देखिएगा ये पॉइंट भी आपको याद हो जाएगा और आपका जो मतलब मतलब जो एक्यूरेसी है क्वेश्चन करने का वो भी आपका अच्छा रहेगा, आपका आंसर्स मतलब कि आप क्वेश्चन देख के आप आंसर ज्यादा जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। आपको हर एक टॉप मतलब कि ऑप्शंस पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, या फिर क्वेश्चंस को ज्यादा डिटेल में आपको समझने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग बस कीवर्ड्स देख के ही आप लोग समझ जाइएगा कि नेगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव आंसर होगा, पॉजिटिव क्वेश्चन है तो पॉजिटिव आंसर होगा। और एक पॉइंट जो है ये फोर्थ पॉइंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जब आप देख रहे हैं कि आपसे नहीं हो पा रहा है या क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर आप उस क्वेश्चन को कभी पढ़े नहीं है, नहीं जानते उसके बारे में, ऑप्शंस आपको याद नहीं आ रहा है, ठीक है, जो आंसर है वो याद नहीं आ रहा है, तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि उसका जो ऑप्शंस जो दिया गया उसमें उस क्वेश्चन में, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 ऑप्शन रहते हैं ना, तो इन ऑप्शंस में से सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, ठीक है, सबसे बिग ऑप्शन जो है जिसको ज्यादा डिटेल में लिखा गया है वो कौन सा है। तो जो बिग आंसर ऑप्शन रहता है ना, जो आपका बिग आंसर ऑप्शंस रहता है वो आपका ज्यादातर, ठीक है, 90-95% वो क्या होता है, करेक्ट आंसर होता है। क्योंकि जो एग्जामिनर है जब वो क्वेश्चन सेट करता है तो उन ऑप्शंस को इसलिए उनको ज्यादा लिखना पड़ता है ताकि वो एक्सप्लेन करके बता पाए आंसर को, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा तर देखा गया है कि जो बड़े ऑप्शंस के आंसर होते हैं वो ज्यादातर करेक्ट आंसर होते हैं। तो ये चार पॉइंट्स जो है, ठीक है, ये चार काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको ध्यान से आप ध्यान में रखिएगा इस चीज को, ताकि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपका जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और आपका एक्यूरेसी लेवल बना रहे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब बात करते हैं कि आपको OMR सीट किस तरह से फिल करना है, क्योंकि अभी तक जो भी हो रहा था वो ऑनलाइन एग्जाम चल रहा था, पिछले बार से ये ऑफलाइन एग्जाम स्टार्ट हुआ है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है ये OMR सीट को लेके। क्योंकि ऑनलाइन में क्या रहता है कि ऑनलाइन में आपको सिर्फ जो ऑनलाइन मोड रहता है उसमें आपको सिर्फ एक क्लिक करना पड़ता है, ठीक है, सिर्फ आपको एक क्लिक में आपका आंसर हो जाता है। लेकिन अब जो ऑफलाइन मोड है, ठीक है, ऑफलाइन जो मोड है इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, OMR फिल करना पड़ेगा। OMR फिल में आपको क्या है, जो ऑप्शंस रहते हैं उसको आपको सर्कल करना पड़ता है। तो ये एक सर्कल करने में और एक क्लिक करने में बहुत फर्क पड़ जाता है आपका, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम का फर्क पड़ जाता है। तो अब आपको इसको किस तरह से मैनेज करना है, इस तरह से आप OMR फिल कीजिएगा ताकि आपका जो एग्जाम है आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी कर पाए और OMR को कंप्लीट फिल कर पाए, क्योंकि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग।
नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, इसलिए आपको क्या करना है कि ओएमआर सीट को कंप्लीट फिल करके आना है, ठीक है, ये आपका एक टारगेट होना चाहिए। और इसके अलावा ओएमआर सीट को अच्छे से फिल करना है। ओएमआर सीट में अगर एक भी गलती हो जाता है आपका, मतलब मैं ऑप्शंस आंसर्स का बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपको ऊपर जिस तरह से आपका जो रोल लिखने का ऑप्शन है, या फिर अगर आपका क्वेश्चन बुकलेट लिखने का जो ऑप्शन रहता है, ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको अच्छे से लिखना है। और इसका जो रोल नंबर लिखने के बाद अगर नीचे देखिएगा आपका, इस तरह से आपका 1 2 3 4, इस तरह से जो आपका रोल नंबर जिस तरह से है, आपको वो पॉइंट आपको सर्कल करना है। तो इन सब चीजों को आपको अच्छे से ध्यान देके करना है, ताकि इसमें कोई मिस्टेक ना हो आपका, ठीक है। तो पहले जब भी आपको ओएमआर सीट मिले तो आप इस चीज को पहले फिल कर ले। एग्जाम शुरू होने से पहले आपको मिल जाता है ओएमआर सीट, तो आप पहले इन चीजों को फिल कर ले, ठीक है। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि ओएमआर सीट के को आंसर्स के अलावा आपको जो भी ओएमआर सीट में है, अदर चीजें, रोल नंबर हो गया, क्वेश्चन बुकलेट हो गया, या और भी जो भी ऑप्शंस आपको दिखेंगे, उन सब चीजों को आप पहले अच्छे से ध्यान से फिल कर लीजिएगा, कि उसमें अगर गलती हुआ तो फिर आपका पूरा एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो अब जो है आपको जब भी आप ओ एम आर सीट, अब आप क्वेश्चन स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा ये चीज कि आप लोग पहले सीटीपी से शुरू करें, और प्लस जो पैडागोजी पोर्शन है, ठीक है, जो पैडागोजी पोर्शन है अदर सब्जेक्ट्स का, अदर सब्जेक्ट का जो पैडागोजी पोर्शन है जो आपको कवर करता है कितना, 90 मार्क्स, पहले आप इसको कंप्लीट कर ले। क्योंकि देखिए, ये कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप जब भी सीटीपी कर रहे हैं और पैडागोजी, ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चंस आपको मिलेगा, ठीक है। तो जब भी आप सीटीपी का 30 क्वेश्चंस करते हैं तो आपका एक माइंडसेट, मतलब उस चीज को पूरा रिकवर कर लेता है, ठीक है, जो आप पढ़े हैं, जो चीज आपने, मतलब जो तैयारी आपने किया है, तो माइंड उसको क्या करता है, रिकवर कर लेता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप लोग पहले पैडागोजी सेक्शंस को कंप्लीट कर ले, ताकि क्या रहेगा कि डिस्टरबेंस नहीं होगा आपके माइंड में भी, आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा कि जैसे आप देखिए, जैसे आप सीटीपी के पहले, फिर अगर आप इंग्लिश को टच करते हैं, ठीक है, मतलब जो इंग्लिश का जो कॉम्प्रिहेंशन पेज, मतलब जो कॉम्प्रिहेंशन जो पार्ट है उसको अगर आप कवर करते हैं, या फिर अगर आप मैथ्स में घुस जाते हैं, तो क्या होगा कि आपका वो एक अलग जोन में आप चले जाते हैं, आपका माइंड अलग थिंकिंग में चले जाता है। तो फिर क्या होगा कि जब आप फिर पैडागोजी स्टार्ट कीजिएगा, तो फिर आपको पैडागोजी के बारे में, अगर मान लीजिए कोई टॉपिक आपको याद नहीं आ रहा है, या फिर आपको पढ़े हुए हैं, तो फिर आप उसमें सोच में चले जाइएगा, ठीक है। तो जैसे सीटीपी आप कीजिएगा, तो आपको पैडागोजी पोर्शन धीरे धीरे आपको माइंड में आता रहेगा, तो आपको जल्दी आंसर्स भी कैच होगा, और जो आप पढ़े वो जल्दी जल्दी आपके माइंड में आना लगेगा। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि आप सीडीपी के साथ साथ जो अदर सब्जेक्ट का पैडागोजी है उसको आप पहले अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद इंग्लिश, मैथ, या फिर जो ईवीएस, हाँ, इसके बाद ईवीएस को आप कर सकते हैं। जैसे ही आपका ये पैडागोजी पोर्शन और सीडीपी कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप ईवीएस कीजिए। क्योंकि ईवीएस में क्या है ना कि ईवीएस का अगर वो क्वेश्चन पता है तो आपको एक ही बार में आंसर हो जाएगा, या आपको नहीं पता है तो फिर आप वो आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो 15 नंबर का ईवीएस का क्वेश्चन आएगा, तो अगर आपको वो क्वेश्चन आता है तो आप आंसर आपका सही होगा, अगर आपको नहीं पता है तो वो आंसर आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले उसको कर लीजिएगा उसके बाद, ठीक है। जब भी आपका सीटीपी और पैडागोजी हो जाए उसके बाद ईवीएस कर लीजिएगा, तो उसके बाद लैंग्वेज 1 एंड 2, उसके बाद आपका मैथ, ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है, ये तो 90 जब पैडागोजी हो जाएगा ना, तो पैडागोजी होने के बाद आप जब इसको स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, ये पोर्शन स्टार्ट करने से पहले आप ओएमआर फिल कर लीजिए। 90 क्वेश्चंस का जो अपने कम अटेम्प्ट किया है उसका जो ओएमआर है उसको आप फिल कर लीजिए, ठीक है, उसको आप फिल कर लीजिए, जो 90 क्वेश्चंस आपने किया है। तो इसमें से जितना भी क्वेश्चंस आपका हुआ है उसका पहले आप ओएमआर को फिल कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि लास्ट लास्ट में जाने के बाद अगर आप सोचिएगा कि पहले हम सारा चीज क्वेश्चंस में ही कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लास्ट में आके ओएमआर फिल करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप, जैसे मान लीजिए कि ईवीएस हो गया, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 हो गया, तो ईवीएस तो फिर भी आपका टाइम ज्यादा नहीं लेगा, लेकिन लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, पोएम पढ़ना है, ठीक है, ये चीज पढ़ने के बाद आपको फिर क्वेश्चंस के साथ मैच करना है, फिर आपको मैथ सॉल्व करना है, तो अगर आप इसमें आपको थोड़ा टाइम ज्यादा ले लेगा,
ठीक है, तो इसलिए आप ये 90 मार्क्स, और प्लस अगर आप चाहते हैं कि नहीं एबीएस भी मैं देख लेता हूँ, तो फिर इसको भी आप इसके साथ इंक्लूड कर सकते हैं, तो और 15 नंबर, ठीक है, यानी 105 नंबर का आप पहले ओएमआर फिल कर लीजिए। तो क्या होगा कि आपको तो जो अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपको 90 मार्क्स तो लेके आना है, और अगर आप अदर कोई कैटेगरी से है, ठीक है, अदर कोई कैटेगरी से आपको 82 मार्क्स लाना है। तो देखिए आप तो अगर ये चीज़ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये दोनों चीज़ अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आपको 105 मार्क्स का आप ओएमआर फिल कर ले रहे हैं, ठीक है, ये दोनों केस में आपका, ओके, ये दोनों केस में आप 105 मार्क्स का ओएमआर ऑलरेडी फिल कर लिया आप, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसमें अगर आपको कम टाइम भी मिलता है, या फिर अगर आप जल्दी जल्दी करके टाइम मेकअप कर भी लेते हैं, तो फिर उसके बाद इसका ओएमआर फिल कीजिएगा आप। उसके बाद आपको सिर्फ 45 क्वेश्चन बचेगा, ठीक है, 45 क्वेश्चन बचेगा, तो उसको आप सॉल्व करके, या फिर अगर आप चाहते हैं कि लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू करने के बाद भी उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू करने के बाद आपका 30 क्वेश्चन का फिर ओएमआर फिल कीजिए, उसके बाद जो आपको 15 नंबर रिमेनिंग मैथ्स बच रहा है फिर उसका सॉल्व करेगा, उसका ओएमआर फिल कीजिए। तो इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है, ये मेरा आपसे सजेशन रहेगा कि आप इस तरह से अगर करते हैं मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर, मतलब एक एक पार्ट जो पोर्शन है आपका वो सॉल्व करने के बाद आप ओएमआर फिल करते जाइए, इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होता रहेगा, आपका ओएमआर भी फिल होता रहेगा। लास्ट में ओएमआर फिल करना बिल्कुल सही नहीं है, इसमें क्या आता है कि अगर आपका टाइम कम रहता है, और अगर आप गलती से, क्योंकि उसमें बहुत क्लोज क्लोज सर्कल्स रहते हैं, ठीक है, एक ऑप्शन दूसरा ऑप्शन उसके जस्ट नीचे, अगर मान लीजिए आपको यहाँ सर्कल करना हुआ और अगर गलती से आप इस पे सर्कल कर दिए, तो आपका ये क्वेश्चन तो चले इसमें आप कर लीजिएगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन का अगर आपको पता भी है आंसर कि दूसरा ऑप्शन था, और अगर आप गलती से यहाँ सर्कल कर दिए, तो फिर ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। तो इसलिए आप पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन को भी कीजिए सॉल्व, और ओएमआर को भी फिल कीजिए, ठीक है। उम्मीद है कि ये भी आपको चीज़ समझ में आ गई कि आपको किस तरह से ओएमआर फिल करना है, और किस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, अगर आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और चैनल को भी अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का, ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स है, अगर आप इसको कर लेते हैं, और इसको आपको अच्छे से करना है, सिर्फ करना नहीं है, और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स है, लेकिन ये टॉपिक्स जो है इसमें से क्वेश्चंस आपका आना ही है, तो ये टॉपिक्स को आपको एकदम अच्छे से करना है, ताकि इन टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आए आपका मिस नहीं होना चाहिए। तो देखिए टॉपिक्स क्या क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, पियाजेट, वायगोस्की, कोलबर्ग, सीसीई जिसे हम रेमेडियल टीचिंग भी कहते हैं, एनसीएफ 2005, और अब जो एनईपी आ गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, अब वो उससे भी क्वेश्चन पूछा जाने लगा है, तो वो भी आप कीजिएगा। फिर जेंडर, लैंग्वेज एंड थॉट, लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, लैंग्वेज स्किल्स, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट टीचिंग, ये सारे जो है ये सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वेरी 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 वेरी, जितना वेरी लिखे उतना वेरी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास, अगर आप अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं तो इस प्रिपरेशन करते जाइए, और साथ ही साथ आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट रहा आप लोग से, और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन में क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।